माँ पानी लाने गई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा माला, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, से सहन नहीं होता माला, बस थोड़ा सा सब्र करो माला, थोड़ा सा सब्र करो। बेटा, माँ, बेटा सनातन, माँ, ये देख मुन्ना, तेरे लिए पानी लेकर आ गई हूँ, ले, माँ, ले पानी, माँ, माला, लो पानी पी लो माला, पानी पी लो माला, माला शाही मुस्लिमों को पानी पिलाने की गुस्ताखी किसने की? शाही हुक्म की नाफरमानी किसने की? भैया, मैंने मैंने इन दोनों को पानी पिलाया है भैया। ए बुढ़िया, तूने इन शाही मुस्लिमों को पानी पिलाया है? हाँ, शायद तुझे मालूम नहीं कि हमारे महाराज का यह आदेश है कि इन शाही मुस्लिमों को जो भी पानी पिलाएगा, जो भी खाना देगा, इनकी मदद करेगा, वो भी शाही मुस्लिम कहलाएगा। और तू अंधी है? हाँ भैया, हमें हाँ। कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन भैया ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि किसी प्यासे को पानी पिलाना जुर्म होता है। किसी प्यासे को पानी पिलाना जुर्म होता है, लेकिन ये दोनों शाही मुस्लिम है, ये दोनों शाही मुस्लिम है, इनके लिए ऐलान करवाया गया है कि इनकी कोई मदद नहीं करेगा, और तूने इनकी मदद की है। सिपाहियों, इन दोनों शाही मुस्लिमों को पीछे करो। लेकिन भैया, पीछे करो इन्हें। भैया, हाँ, तुम कौन हो? मैं, हाँ भैया, मैं यहाँ का सेनानायक सेनापति गुमान सिंह हूँ, और आज हमारे महाराज के हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए तू गुनहगार है तू। और क्यों री बुढ़िया, क्यों री बुढ़िया, क्यों री बुढ़िया, तू इनकी और मददगार है, क्यों री बुढ़िया तू इनकी। मुजरिम है शाही गुनहगार है, तुझे मुजरिम है। तू भी ले जेवर पहन अब आहिनी जंजीर का, और चढ़कर दार पर कर फैसला तकदीर का। तू भी ले जेवर पहन अब आहिनी जंजीर का, और चढ़कर दार पर कर फैसला तकदीर का। और ले बुला, ले बुला, ले बुला जो भी तेरा मददगार है। मददगार है तू भी मुजरिम है शाही गुनहगार है, तू भी मुजरिम। भैया बोल, कहना क्या चाहती है? तो तुम यहाँ के महाराज के सेनापति हो? हाँ। और शाह सुल्तान, शाह सुल्तान का तू वफादार है, शाह सुल्तान का तू वफादार है, शाह सुल्तान क्या?
कुर्बान हूँ, तू भी बंदा है खुदा का, मैं भी एक इंसान हूँ, और लाल के वास्ते सब कुछ कुर्बान है। सब कुछ कुर्बान है, शाह सुल्तान का तू वफादार है। सिपाहियों भैया, इस बुढ़िया को कैद कर लिया जाए। भैया इसकी सजा, रहम करो भैया, एक अंधी के ऊपर रहम करो। हमारे सम्राट तय करेंगे, इसे ले चलो राज दरबार और साथ में इन शाही मुजरिमों को भी ले चलो, ले चलो सबको, इनका फैसला हमारे सम्राट करेंगे। ले चलो। चल रहे बुढ़िया, तुमने पानी पिलाने की गुस्ताखी की है, चलो बड़े महाराज के पास। ठीक है भैया, ले चलो। ले चलो भी, ले चलो, ले चलो। आज इनका फैसला हमारे सम्राट करेंगे, हम इन्हें राज दरबार लेकर जाएंगे। जी राजन, ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं राजन, इन शाही मुजरिमों के साथ इस बुढ़िया को क्यों कैद किया गया है? ये बुढ़िया आपकी गुनहगार है राजन। इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? इसने आपके हुक्म की नाफरमानी की है, आपके हुक्म को तोड़ा है। क्या क्या है इसने? राजन, इस बुढ़िया ने, इस अंधी बुढ़िया ने, जी राजन, ये दोनों आंख से अंधी है, इस अंधी बुढ़िया ने इन शाही मुजरिमों को पानी पिलाने की गुस्ताखी की है। इस बुढ़िया की सजा, इसके पानी पिलाने की सजा आप मुकर्रर करेंगे राजन, आप इसलिए हम कैद करके लाए हैं। तो इसने सारे गुनहगारों को पानी पिलाकर हमारे हुक्म की नाफरमानी की है। महाराज सुल्तान सिंह का खौफ नहीं खाया इसने, और तूने सुल्तानी का क्यों रे बुढ़िया, तूने सुल्तानी का कुछ खौफ नहीं खाया है, तूने सुल्तान का। तूने सुल्तान का कुछ खौफ नहीं खाया है, और पानील शाही गुने, पानील शाही गुने कारों को पिलाया है। तू भी अब मुजरे बनी, जो इनकी मददगार बनी, और तेरे गुनाह की सजा, सजा दस कोड़ों की, सजा दस कोड़ों की हमने तुझे सुनाया है, सजा दस कोड़ों की। तेरा गुनाह देखते हुए तेरे लिए ये सजा है कि तेरे बदन पर, तेरे जिस्म पर 10 कोड़े लगाए जाएं। महाराज, इन
बच्चों को पानी पिलाने के जुर्म में सजा के रूप में मेरे बदन पे 10 कोड़े लगेंगे। हाँ 10। और सजा 10 कोड़ों की, सजा 10 कोड़ों की स्वीकार है सरकार मुझे, सजा 10 कोड़ों की। सजा 10 कोड़ों की स्वीकार है सरकार मुझे, मगर मुजरिम हूँ मैं, मगर मुजरिम हूँ मैं, ये नहीं स्वीकार मुझे, मगर मुजरिम हूँ मैं। सजा मासूमों को देता है तू जल्लाद बना, सजा मासूमों को देता है तू जल्लाद बना, माफ हरगिज नहीं, माफ हरगिज नहीं करेगा करतार तुझे, माफ हरगिज नहीं। मगरूर औरत, भगवान मुझे माफ करे या ना करे, लेकिन सुल्तान तुझे माफ नहीं करेगा। बांध दो खंभे में सेनापति तत्काल उसे, बांधो खंभे में बांध दो खंभे में सेनापति तत्काल से, और लगा कर कोड़े 10 कोड़े, लगा कर कोड़े 10, कर दो अभी निहाल इसे, लगा कर अगर दोबारा करे ये बुढ़िया कोई ऐसी खता, और खींच लो खालिया, खींच लो खालिया, कर दो इसे हलाल कहीं, खींच लो खालिया। गवान सिंह 10 कोड़े लगाकर इसे निकाल दो, अगर दोबारा ये बुढ़िया कोई ऐसी खता करती है तो इसकी खाल खींच लो या इसे वहीं हलाक कर दो। महाराज, इन बच्चों को पानी पिलाने के जुर्म में आप अगर मेरी जान भी ले लें फिर भी मैं उफ नहीं करूंगी। और रहम की भीख ना है मांगना स्वीकार मुझे, रहम की भीख ना। रहम की भीख ना है मांगना स्वीकार मुझे, और लाल के वास्ते बेटे के वास्ते मौत भी स्वीकार मुझे, लाल के वास्ते। लगा 10 कोड़े खुद क्यों देता है आदेश खड़ा, लगा 10 कोड़े खुद क्यों देता
है आदेश खड़ा बददुआ अंधी की, बददुआ अंधी की, कीड़े पड़े गद्दार तुझे बददुआ। एक अंधी नामुराद औरत एक सम्राट को बद्दुआ देती है, अगर तुम मेरे हाथों से मार खाना चाहती है तो गवान सिंह कोड़ा हमें दिया जाए और इस बुढ़िया को वहां खड़ा किया जाए। सिपाही नामुराद औरत एक तो सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी करती है और ऊपर से हमें बद्दुआ देती है। हराम कवान सिंह, पांच कोड़े हमने लगाए हैं, पांच कोड़े इसे और लगाकर इसे यहां से निकाल देना और इन नामुरादों को कैद खाने में डालकर यह ऐलान करवा देना कि कल इन दोनों की मौत होगी, इनका कत्ल होगा। रियासत में रात में जो भी इनकी मौत का नजारा देखना चाहे वो कत्ल के मैदान में आकर बैठा रहे। सिपाही ये कोड़ा उठाओ, उठाओ, पांच कोड़े हमारे सम्राट ने लगाए हैं और पांच कोड़े लगाने का हमें आदेश मिला है। सिपाही इस शमशीर पकड़ो। बुढ़िया मैंने तुझे कहा कि इसका फैसला हमारे सम्राट सुनाएंगे और आज फैसला ये हो गया कि इन दोनों को मौत की सजा मिल गई है, कल इन्हें मौत की सजा मिलेगी और तुझे अब पांच कोड़े हम लगाएंगे। इस बुढ़िया की हथकड़ी खोलकर इसे राज दरबार से कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया जाए, ये किसी नाले या कुएं में डूबकर अपनी मौत खुद चुनेगी। ले जाओ इसे और इन दोनों को कारागार के अंदर डाल दो, इन दोनों को कल सजा दी जाएगी और ये ऐलान कर दो विक्रमगढ़ में कि जो इन साहिब मुजरिमों की मौत का नजारा देखना चाहता है तो कल सुबह महाराज के दरबार में आकर बैठ जाए, हाजिर हो जाए। बैठ जाओ इसे। एक तो आपन खुदा याद हराए हमारे वहां की माँ अंगुली चापा चाहत मार तो कम मन इस बार करो। और ये सिपाही इन दोनों को ले चलो कारागार के अंदर डाल दो, ले चलो, लेकर आओ।